हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी टमेटो सॉस, वो भी घर पे बहुत ही आसानी से। और मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इसको आराम से 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमें इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 किलो टमाटर। इन्हें मैंने धो के है अच्छे से सुखा लिए हैं। उसके बाद मैं इन्हें कुछ इस तरह से काट लूँगी। आपका जैसा मन करे आप इन्हें वैसे काट सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इन्हें 4 टुकड़ों में कर लिया है। तो देखिए हमारे यहाँ पे सारे टमाटर जो हैं कट चुके हैं। और मैंने यहाँ पे लिए हैं फार्म फ्रेश टमेटोज, जो कि बहुत अच्छे और गुद्देदार हैं। अब मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ 1 कुकर। कुकर में हम हमारे सारे कटे हुए टमाटर डाल देंगे। अब हम हमारे कुकर को मंदी आंच पे गैस स्टोव पे चढ़ा देंगे। यहाँ पे मैंने ढक्कन नहीं लगाया है। जब टमाटर यहाँ पे पानी छोड़ने लग जाएंगे तब हम इस पे लगा देंगे ढक्कन और इसे 1 से 2 सीटी आने तक हम पकने देंगे। देखिए अब हमारे टमाटर यहाँ पे पक के तैयार हैं। इनको थोड़ा ठंडा होने पे हम एक मिक्सर लेंगे और इसका एक पेस्ट हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। अब हम हमारे पिसे हुए टमाटरों को एक छन्नी की मदद से छान लेंगे और आप छानने के बाद देखेंगे कि बिल्कुल थोड़ा सा जो हमारा लेफ्ट ओवर है टमाटर का, सिर्फ वही छन्नी में रह जाएगा। हमारी टमेटो प्यूरी यहाँ पे तैयार है। इससे हम तैयार करने वाले हैं टमेटो सॉस। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 100 ग्राम्स शुगर, व्हाइट सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून विनेगर, 4 से 5 इलायची, 4 से 5 लौंग, 5 से 7 काली मिर्च और 1 दालचीनी की स्टिक। सबसे पहले हम हमारी टमेटो प्यूरी गैस पे चढ़ा देंगे 1 कढ़ाई में और हम तैयार करेंगे हमारे सारे खड़े मसालों की 1 पोटली, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सफ़ेद मलमल का 1 कपड़ा लिया है और मेरे सारे जो खड़े मसाले हैं उनको मैंने इस कपड़े में बांध लिया है। और मैंने यहाँ पे इस तरह से हमारे खड़े मसालों की पोटली जो है वो तैयार कर ली है। इस पोटली को हम डालेंगे हमारी टमेटो प्यूरी में और हम इसमें डाल देंगे चीनी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ओकेजनली हिलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है, जब तक ये थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। हमें कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। आप देख सकते हैं हमारी सॉस जो है वो गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है और ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। इस स्टेज पे हमें इसमें ऐड करना है विनेगर और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाना है, फिर हम इसे गैस स्टोव बंद करके नीचे उतार लेंगे। देखिए हमारी कितनी अच्छी और बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका। हमारी सॉस यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। अब हमें क्या करना है, इस पोटली को हम जो है वो स्क्वीज करेंगे और हम इसे हमारी सॉस से बाहर निकाल लेंगे। इसमें बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स आएंगे। आप देखेंगे बाजार से भी अच्छी बनेगी ये सॉस। आपको इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आप इस सॉस को पूरे साल स्टोर करके रखना चाहते हैं, वो भी बिना प्रिजर्वेटिव के, सो हैज़ द टिप। आप ये जो सॉस बल्क में बना रहे हैं इसको आप एयरटाइट छोटे छोटे बॉक्सेस में डीप फ्रीजर में स्टोर करके रखें और जिस अमाउंट में आप इनको यूज़ करना चाहते हैं वो उस अमाउंट में आप इनको बाहर निकालें, तो ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगी और आपको इसमें प्रिजर्वेटिव डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं मैं आपसे ऐसी ही रेसिपी शेयर करती रहूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।